गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, अभी बज रहे हैं घड़ी में 5। तो आज मैंने शाम से व्लॉग स्टार्ट किया है, तो यहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो हम लोग जो है कि बालकनी में खड़े हैं, देख सकते हैं आप इधर देखिए, पूरा बादल बादल हो रखा है, तो वो जो बदली टाइप का हो गया है, बट अभी बारिश नहीं आई है और काफ़ी अच्छी जो है कि हवा चली है। तो इसीलिए जो है कि हम लोग थोड़ा सा बालकनी में खड़े होकर हवा ले रहे हैं। तो उमस तो बहुत ज़्यादा है गाइस, पर क्या करें। तो दोस्तों, यह मौसम काफ़ी जो है कि बदल चुका है, काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:30। तो शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। सुबह में काफ़ी धूप था और अभी जो है कि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, हल्का फुल्का जो है कि झीसी हो रखा है। और देख सकते हैं बादल कितना तेज़ गरज रहा है, हो सकता है कि बारिश हो जाए। बच्चे जो है कि खड़े हैं यहाँ पे, नहीं रेलिंग पे खड़े, ज़्यादा मत मतलब लटको बेटा, गिर जाओगी। और कान्हा जी की आपको दर्शन करवा देती हूँ, जो है कि लाला के आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। और इधर शाम का मैंने भोग लगा दिया है लाला को और इन्होंने खा भी लिया है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए लाला ने अपने मुंह में मिठाई लगाई हुई है, देख सकते हैं आप सभी लोग। जो है दोस्तों, लाला के कपड़े टंगे हुए हैं, इधर मैं उठा लेती हूँ क्योंकि बारिश आने वाली है। इधर का सारा पानी आप देख सकते हैं सारा गायब हो चुका है, सुन सकते हैं बारिश मतलब बादल कितनी तेज़ गरज रही है। चलिए कपड़े उठा लेती हूँ। तो दोस्तों, इधर मैं किचन में आ गई हूँ, लाला का कपड़ा मैंने उठा लिया है और इधर मैं बना रही हूँ चाय। और इधर बच्चे रेलिंग पे, इस वाले रेलिंग पे अब आ गए हैं। और इधर जो कि खिड़की मैंने बंद किया हुआ है, एक खोला हुआ है क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रही है, तो बूझ सी जा रही है। और इधर कुछ बादाम थे, मैंने सोख करके रखे थे, तो इधर मैंने छील लिए क्योंकि मुझे लेने होते हैं शाम में, चाहे भुना चना हो गया, चाहे पीनट्स हो गया, ये चीज़ हो गया, और ये सब चीज़ अपने जैसे ड्रिंक जो मैं पीती हूँ उसके साथ मुझे लेने होते हैं। तो ये मैंने इतना जो है कि छील लिया है और चाय मेरी बन रही है और फ्रेश अभी मैं बना रही हूँ, पानी गर्म करती हूँ। तो यहाँ दोस्तों चाय बन चुकी है और यहाँ मैंने जो है कि अपना फ्रेश बना लिया है। और इधर थोड़ी सी चाय देखिए मैंने निकाला अपनी बेटी के लिए, कर मम्मी मुझे भी थोड़ी सी चाय चाहिए, बहुत थोड़ा सा दिया है उसे। तो चलिए चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने। तो इधर जो है ना कि चाय वाय हम लोग पी चुके थे और फिर उसके बाद जो कि बच्चे चले गए थे बाहर साइकिल चलाने के लिए, तो यहीं पर दोनों बच्चे हैं मेरे, तो इधर ही सब अपना खेल उल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं यहीं पे। तो यही मैं देखती रहती हूँ हर शाम को। आज मैंने कहा था आज मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन फिर भी सब मानते नहीं है ना, एक बच्चा हमेशा बुलाता रहता है आओ आओ, तो फिर वो सब मानते नहीं है, चले जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं इधर साइकिल चला रही है और मौसम ऐसा हो रखा था गाइस कि जैसे लग रहा था कभी बारिश हो जाएगी, बट खाली हवा चल रही है, लेकिन देखें बादल बिल्कुल जो कि काले काले से हो रखे हैं। तो दोस्तों, बच्चे तो चले गए थे बाहर साइकिल चलाने और इधर हस्बैंड ले आए, कुछ सामान ख़त्म हो चुका था। तो उधर देखिए, इधर खीरा मंगवा लिया था और इसमें है परवल, ये देख लीजिए। तो बस इतना ही सब्ज़ी में मैंने मंगवाया है, बाकी कल आया ही था। और इधर बिस्किट लेकर आए बच्चों के लिए, तो जो बिस्किट उन लोगों को पसंद है तो वही बिस्किट वो लोग खाते हैं। और इधर ये वाले भी बिस्कुट ले लिए थे 20-20 गोल्ड, इसमें भी चॉकलेट है, चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और इधर किसान जेम ख़त्म हो गया था, अब स्कूल भी ओपन होने वाले हैं तो एक किसान जेम मंगवा लिया था। और इधर ये वाली चाय पत्ती हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ होती है ये और बहुत ही टेस्टी होती है, तो ये मंगवा लिया था। और इधर जो है ना बेसन मंगवा लिया था 1/2 kg, ये बेसन जैसे कि चक्की से जो नहीं होता है पिसाता है, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल भी गर्म है, तो ये मैं पैकेट वाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये मंगवा लिया था, इसको भी डब्बे में फिल कर दूँगी। और सीजन का पहला जामुन आया हुआ है, देखिए सीज़न का पहला जामुन है, काफ़ी मीठे हो रखे हैं, इसे मैंने धो दिया है, अब इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी।
और ये बहुत फ़ायदा करते हैं, पेट वगैरह जो है कि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो बस ये मंगवा लिया है। हाँ, किचन के तो काम मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ कपड़े जो मैंने वॉश किए थे, तो मैंने सोचा कि इससे भी जो है कि लगे हाथ, इसको भी तह लगा लेती हूँ। कपड़े तो धुल जाते हैं दोस्तों, बस जो है कि बस तह करने का मन नहीं होता है। कपड़े चाहे जितना भी मैं धो लूँगी, बस उसको बस सेट करने में मेरे को होती है प्रॉब्लम, मेरा मन ही नहीं करता है सेट करने का, लेकिन करना तो मेरे को। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, गमछी वगैरह मैंने सारे धोए रखे हैं, और जो है कि बच्चों के ही कपड़े ज़्यादा होते हैं, कि थोड़ी सी भी गंदे होते तो बच्चे तुरंत चेंज कर लेते हैं कपड़े को, तो वही जो है कि फटाफट मैं सारे कपड़े जो है कि तह लगा के उनकी जगह पर रख दूँगी। तो चलिए कपड़े को मतलब तह लगा लेते हैं। राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो है कि शाम का टाइम है, मैं आपसे जो है कि शाम के टाइम ही मिल रही हूँ। सुबह से जो है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, शाम से मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम एकदम हो ही चुका है, मानसून तो आ ही चुका है, और आपने पिछली वीडियो में देखा रहा होगा कितनी ज़्यादा जो है कि बारिश हुई थी, और अभी जो कि मौसम बना था बट बारिश नहीं हुई, और बच्चे दादी के घर से आ चुके थे। तो कल जो एक मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया था, नहीं बनाया था, आज बना रही हूँ। तो बच्चे आ गए हैं दादी के घर से, तो वैष्णवी का जो कि हाथ टूटा हुआ था, मैंने बताया था आपको, तो उसका जो बेल्ट लगाती थी वो बेल्ट निकल चुका है, अब उसकी मतलब कोई ज़रूरत नहीं है बेल्ट वगैरह की। अब उमस बहुत काफ़ी हो रहा है दोस्तों, तो बेल्ट की उसकी ज़रूरत नहीं। वैसे दवाई कैल्शियम कि उसको मिली हुई है खाने के लिए, अभी तो बाहर खेली रही है, अभी आई नहीं है। तो बस यही था कि उसका बेल्ट उतर गया है, अब उसको बेल्ट की डॉक्टर ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ही ने जो है उसका बेल्ट निकाल दिया था। और कपड़े वगैरह मैंने तह लगा चुके, जहाँ जहाँ मुझे रखना था वहाँ वहाँ मैंने रख दिया है। और देखिए लाला इधर नहीं बैठे हुए हैं, उनको मैंने देखिए आसन पर बिठा दिया है, देख सकते हैं आप, मैंने उन्हें आसन पे बिठा दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जो है कि मुझे पूजा करनी है। और किचन में जितने बर्तन थे वो सारे मैंने माँज दिए हैं, और आज जो है कि डिनर बनाना नहीं है, बस लाला के लिए मैं भोग बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बची हुई है तो रोटी सेक दूँगी, सब लोग खा लेगा, बस लाला के लिए ही भोग बनाना, क्योंकि लाला को बासी भोजन तो मैं खिला नहीं सकती। और जब भी मैं लाला के लिए भोजन बनाती हूँ तो बस तुरंत ही चढ़ा देती हूँ, अगर फ्रीज में रख दिया, इधर रख दिया, फिर दोबारा चढ़ाना जी नहीं। अगर कोई सामान भी अगर मैं मतलब कुछ बना ली घर में, कुछ भी जैसे गुलाब जामुन हो गया, तो बस एक बार ही भोग लगाती हूँ, दोबारा नहीं लगाती मैं उन्हें भोग। तो बहुत लोग होते हैं कि फ्रीज में रख रख के भोग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं, मैं कभी तुरंत मैं भोग लगाती हूँ लाला को, मेरी शुरू से यही मेरी आदत है। और जैसे मतलब जिसको जैसा होता है वो वैसा करता है, मैं ऐसे नहीं करती।
और बस अब समय हो चुका है पूजा करने की, तो अभी मैं पूजा करूंगी। और लाला के जो कपड़े मैंने उठाए थे वो भी उनकी जगह पे उनकी अलमारी में, देखिए लाला की अलमारी है, मैं आपको दिखाती, देखिए ये लाला की अलमारियाँ हैं और इसमें लाला के सारे वस्त्र रखे हुए हैं, सारे देखिए पूरे वस्त्र रखे हुए रहते हैं सिर्फ लाला के। और इसमें सिर्फ लाला के जो है ना, इसमें मैं दिखाती हूँ पूरा, तो इसमें सिर्फ लाला की चीज़ें रखी हुई हैं पूरी, और इसमें सिर्फ गर्मी की ही चीज़ें रखी हुई हैं, गर्मी की ही पोशाकें इसमें हैं, जाड़े की पोशाकें जो समर की पोशाकें होती हैं मैंने अलग से रखा हुआ है, वो ढेर सारी पोशाक है लाला। कभी फुर्सत से टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लाला के पास कितनी ढेर सारी पोशाक है, बहुत ढेर सारी उनके पास पोशाकें हैं मेरे से ज़्यादा, उनकी ज्वेलरी वगैरह मुकुट वगैरह बहुत ढेर सारी है लाला के पास, तो कभी फुर्सत से मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए टाइम हो गया पूजा करने का, तो दिया हुआ जला लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और दोस्तों जो नए नए लोग जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नए नए लोग मुझसे जुड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बस इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। शाम तो हो ही चुकी थी और फिर बाहर का गेट खोल देती हूँ क्योंकि अब मैं पूजा करूँगी ना, तो बाहर का गेट खोल दिया जाता है शाम को, तो बाहर का गेट मैंने खोल दिया है और सारी लाइटें मैं जला दूँगी ऊपर नीचे हर जगह, सारी लाइटें जला दी हैं इधर की भी ऊपर की भी। तो दोस्तों शाम की जो है कि मेरी पूजा हो गई है, और देखिए दिया मैंने जला दिया है, आप सभी लोग संध्या आरती के दर्शन कर लीजिए और इधर माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। देखिए माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, इन्हें मैंने वाइट और ब्लू कलर का लहंगा पहनाया हुआ है, आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए पास से। यहाँ पूजा पाठ हो चुकी थी दोस्तों, और फिर बच्चे लोग आ चुके थे, और यहाँ चल रहा है टीवी, हाँ बच्चों लोग ने टीवी देख रहे हैं, यहाँ चल रहा है कार्टून टीवी में। और दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ जो है कि मैंने पैन चढ़ा दिया है, और इसमें डालेंगे घी क्योंकि लाला के लिए मैं बना रही हूँ भोग, और इसमें डाल दिया है मैंने घी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवैयाँ लाला के लिए प्रसादी, हम लोग के लिए तो है ही है, बच्चों के लिए रोटी सेक दूँगी और हम लोग तो शेक ही पी लेंगे मैं और हस्बैंड। और इधर जो है कि पैन गर्म हो गया था तो फिर है मैंने डाल दिया है सेवैयाँ, तो इधर इसे जो है ना मैं ब्राउन हल्का ब्राउन कलर का मैं इसे भून लूँगी। और इधर दोस्तों सेवैयाँ भून चुकी थी तो इधर मैं डाल दूँगी दूध क्योंकि ब्राउन हो गई थी, तो इधर मैंने डाल दिया है दूध, इसे अच्छे से जो है कि पका लूँगी। और इधर जो एक मैंने दूध तो डाल ही दिया था, और फिर उसके बाद मैं यहाँ जो है कि डाल रही हूँ चीनी, तो यहाँ मैंने चीनी भी डाल दिया, इसमें कोई मेवा वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि सेवई में ना मेवा वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता है डालना, मैं सिंपल साइज सेवई बनाती हूँ। हाँ खीर वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें चावल की जो खीरें होती हैं उसमें मेवा वगैरह मखाना नारियल उसमें सब सारे मैं मिक्स कर देती हूँ। चलिए बना लेती हूँ। तो दोस्तों सेवैयाँ यहाँ मेरी बन चुकी है, और उधर मैंने निकाल लिया है प्लेट में, तो ये ठंडा जब हो जाएगा ना तब लाला को मैं भोग लगाती हूँ, अभी बहुत ही गर्म है। तो दोस्तों इधर लाला को आसन पर से मैंने यहाँ बैठा दिया है, और यहाँ भोग रख दिया है, इसमें डाल देती हूँ तुलसी पत्ता, और लाला की जो है कि बंसी में हटा देती हूँ, और इधर रख दिया है मैंने जल, तो अब लाला को जो है कि भोग लगाती हूँ, लाला खाकर बताएंगे कि कैसा लगा। आप लोगों ने देखा ना कि लाला ने मिठाई आज खाई हुई थी, तो लाला को दूध की चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, तो देखिए इधर लाला को मैं भोग लगा रही हूँ, देखिए इधर तो इधर लाला को मैंने भोग लगा दिया है, अब 5-10 मिनट तक यहाँ भोग रखा रहेगा, फिर उसके बाद मैं उठा लूँगी। तो दोस्तों इधर जो है कि दूध आ चुका था, दूध आज जो है ना बहुत लेट में आया हुआ है क्योंकि कभी सुबह आता है कभी शाम को आता है, तो ऐसे आता है,
तो मैं दूध जो है कि 2 लीटर ही लेती हूँ, और इसे छन्नी से अच्छे से छान लिया है, और जो है कि इसे मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे, तो ये भी जो है कि बॉईल हो जाएगा। और लाला को जो है कि मैंने भोग लगाई दिया था, तब जाके दूध आया है, और अब मैं जो है ना अब रोटियां बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो यहाँ लाला को जो है कि मैंने भोग लगा दिया था, फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिए रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो बची हुई थी तो बच्चे खा लेंगे, जल्दी रोटी बना लेते हैं। तो इधर जो है कि दूध तो मैंने रख दिया था खोलने के लिए, और इधर जो है कि लाला को मैंने नाइट ड्रेस पहना दिया है, अब इनकी मालिश भी मैंने कर दी है, अब जा रही हूँ इनको सुलाने, क्योंकि लाला को जल्दी सुला देती हूँ मैं। और अभी घड़ी में बज रहा है 8 से 8:30 हो रहा है, लाला को मैं सुला देती हूँ। इधर जो है कि लाला को मैंने सुला दिया है अच्छे से कॉटन की चादर पे, और इधर जो है कि हल्का सा उनको चादर में उठा देती हूँ। तो दोस्तों लाला को जो कि मैंने सुला दिया था, फिर उसके बाद किचन में आ गई हूँ, और इधर देखिए दूध पूरा मेरा खौल चुका है, अच्छे से बॉयल हो चुका है, मैंने ढक दिया है, और इधर देखिए शेक बना लिया है, क्योंकि हम लोग इसी का जो है कि डिनर करेंगे, मेरा है और हस्बैंड का है। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय।